तारीख से अब तक अपने वैदिश्य और शोध के द्वारा सभा को और संस्कृत को उत्तर करने वाले तरुण और प्रौढ़ बच्चन, मैं 20 सेकेंड में एक बात कह दूँ, फिर मैं 2-4 मिनट मैं आज 4 बजे से ही बोल रहा हूँ, उसे मैं भूल गया था कि कहाँ जाना है। इस मंदिर पर भी गया फिर मेरा वो ज्ञान मेरा खराब हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ सब आपसे। मैं कल पूरे दिन यहाँ रहा, मुझसे पूर्वोक्ताओं ने प्राय सभी बात कह दी, मेरे लिए आशीर्वाद भी देना है, मैं आशीर्वाद का आपको शुभकामना देता हूँ। देखिए, बाल के बिना न साहित्य न शिक्षा चलती, और इस बात को जितनी शिद्दत से आप महसूस कर रहे हैं, उतनी तीव्रता के साथ जो पुरातन हमारे शास्त्रकार और साहित्यकार थे उन्होंने भी किया था। इसमें कल चर्चा हो गई थी कि लेकर के रामायण महाभारत वेद आज तक बच्चों के स्टैंडर्ड का जो बच्चे उसको सीख लें, अब आप स्तोम की बात छोड़ो, आप एक मंत्री पढ़ लीजिए, एकाचमी सृष्टमी पंचमी पंचमी सप्तमी सब, उसको पूरी गिनती तैयार हो रही है। आप छोड़ो कि वो 33 स्तोम होते हैं या क्या होते हैं, या वो 4 दुनिया वाले ये बच्चे को याद हो जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं। ऐसे एक किताब चलती थी बोले श्री रामचरित कुछ ऐसा ही था, उसमें बाकायदा व्याकरण के साथ आसीर एक राजा था, उसके 2 पुत्र आस्ताम, ऐसे ऐसे उसमें बड़ी अच्छी वो है, और बड़े जो कल नौनिहाल जी ने ऑप्शन रखे थे जिसका शर्मा जी ने भी जिक्र किया कि बाले ने कृतम बाले भ्या बाल संबंधी हुआ। तो हमारी चिंता हजारों साल के बच्चों के सामने एक वातावरण था, गुरुकुल में जाता था, गुरुजी शब्दकोश भी बताते थे, छोटी मोटी अष्टाध्यायी भी सूत्र थोड़ा समझा दे, बालबोध व्याकरण समझाते हुए थे, जो जो प्रबल मनोरमा भाषण और आगे की बात है, लेकिन ये कम से कम प्रथम कुछ कीर्तन की सीधा से समझा देते थे। और इस तरीके से बहुत हमारे पास है, रोचक भी है, तोता कौवा कछुआ की कहानी भी है, लेकिन आज का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मातृगर्भ से आते ही इलेक्ट्रॉनिक का बच्चा है। वो सबके बच्चे ऐसे ही हैं कि जो कार्टून देखते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे हा 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 करते, उसमें वो एकाग्र रहते ही होगी। तो हमारा जो साहित्य, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, संपदा ने मैं आपको बधाई देता हूँ, ये उस तरीके से आप बना ही रहे होंगे, ना हो तो हमारी पैर होनी चाहिए वहाँ, एक हाई पावर आप कमेटी बनाइए और सीधे शिक्षा मंत्री पे जाइए कि हमने ये मेहनत की है, हमारे भारत के जो बच्चे हैं उनको हम संस्कृत का साधारण परिचय, साथ में जिसको आप वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, हमारे यहाँ तो वैल्यू एजुकेशन ही पढ़ाते थे, अभिवादनशील से नित्यम उद्योग से विरा चतवार वर्धनते आयुर्विद्या शोभल सत्यम गुरु, ये भी मिलेगी, और विज्ञान के विषय में भी जागरूक थे शर्मा जी, वो कहते थे काणानं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्, काणाद हो गई कणाद का शास्त्र साइंस, और व्याकरण हो गया पाणिनीयम, तो हम इसको भी लेकर के चलते हैं। और अगर हमने ये सब नर्सरी सब प्राइमरी तक छठी तक पहुंचा देना है, इसके लिए आपको टॉप जो ऑथोरिटी है उनसे मिलना चाहिए, सर्वोच्च व्यक्ति से मिलने में एक फायदा होता है, या तो पहले सांस में ना या पहले और शर्म से भावना से होते जाने देने कितने ननु नशे होते हैं। तो मैं सबको भागीदारों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन में बहुत काम हुआ।
हरिकर जी का तो मैं अभिनंदन करता हूँ आपका भवितव्य। उन्होंने टीवी के विषय में बता रखा है कि ऐसे किरण आती है, ऐसे किरण देखता है, ऐसे आंखें देखती है। दयावान जी ने संस्कृत पत्रिकाओं में जो प्रकाशित है, अब ये जो चंद्रभूषण झा जी ने बात की कोश की, ये हम अपनी जानकारी उनको दें, एक तो बिना मांगे अयाचित दें या उनसे देंगे हमें आप बुलाइए, जैसे आप आ रहे हैं मीटिंग में बैठने उसी तरीके से हमारे जो प्रतिनिधि आएंगे मीटिंग में बैठने। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है अलाउंस तो वो भी कुछ नहीं देंगे, आपको मिलता है तो उनको भी दे, वो अपना समय लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए वो ये बाइंडिंग लगाते नहीं नहीं यही करना होगा तो संस्कृत में ये कभी ना चला है और ना चलेगा। आप जल को जल कहोगे, पानी हम क्यों नहीं कहोगे भाई, भाई पानी पीने की चीज है, आप कहोगे नहीं दो शब्द का है जल, इसलिए जल कह लो तो हम नीर क्यों ना कह देंगे। नीर को सब पूरा पहल को समझता है, जल को पूरा बंगला समझता है और इसी तरीके से पानी को पूरा हरियाणा समझ रहा है। तो इस तरीके से हाँ ये हम मान सकते हैं कि कम से कम पर्यायों का प्रयोग करें ताकि बच्चा एक जगह स्थित हो जाए। कल संपदा जी ने एक और साहित्य अकादमी के प्रस्ताव का जिक्र किया था, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, बाल कथा शतकम। अब वो बाल कथा शतकम जो आप लिखेंगे बच्चे के मन में बैठ करके देखेंगे, उसका घर में कोई गतिविधि कोई चल रहा है, फिर कैसे सुलझाया, इस चीज को देखिए आपको डर गया, पतंग उड़ाने छत पे गया था, गिर पड़ा, फिर अपनी चोट नहीं बता रहा है, सारी चीजें बताएंगे। पूरे देश में मेरे कितने वातावरण है बच्चों को, सबका जिक्र करेंगे और इन चीजों को आप जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल है वो सरकार ना भी कहे तो उनमें ये अधिकार है, अगर उनके मन में आ गए तो वो शुरू से इनको लगा सकते हैं। और आपको फिर बाल साहित्य के लिए वैसा ही प्रयास करना होगा जैसे संस्कृत भारती शुद्ध अशुद्ध सरल कठिन जैसी संस्कृति है उसको फैलाने का प्रचार कर रही है। आपको भी अपने टीचर बच्चे या बुजुर्ग जैसे भी जो उनके साथ बैठ करके बात कर सकें, इसको आपको वहाँ भेजना होगा अपनी सभी माध्यमों के साथ, म्यूजिक के साथ, ऑडियो विजुअल के साथ। मैं तो फिर 5 बजे तो आपको तो चलना है और डॉक्टर त्रिपाठी जी आगे लोग को घूमना है। मैं आप सबको बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इतने विद्वजनों का दर्शन करने का अवसर दिया, इतनी जानकारी हासिल करने का अवसर दिया। शर्मा जी जैसे महान विद्वान विज्ञानी और दार्शनिक के